दिखाने वाली हूँ कि धर्मशाला में जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, जो हमने न्यूज़ में देखा था, एंड एवरीबडी वॉज सो कंसर्न्ड अबाउट मी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट. एंड वही डिस्ट्रक्शन के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाने जा रही हूँ आज मैं. ऑब्वियसली इट इज़ टू सैड टू सी आर धर्मशाला लाइक दैट, बट जो लोअर एरियाज ऑफ धर्मशाला में डिस्ट्रक्शन हुई है वो देख के लाइक इट्स रियली रियली सैड एंड डिसहार्टनिंग. बट स्टिल आई रियली वॉन्ट टू शो यू ऑल दैट हमने नेचर के साथ क्या खिलवाड़ किया है और हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. राइट नाउ वी आर इन शीला चौक. शीला चौक एक मतलब ये धर्मशाला और योल के बीच में पड़ता है, वेरी नियर टू धर्मशाला हुआ करता था. ये बहुत ही छोटा सा खड्ड हुआ करता था, बट खड्ड ने यहाँ पे सब कुछ बहा दिया है. पानी ने इतनी डिस्ट्रक्शन की है वो आप देख सकते हैं. शमशान घाट आधा जा चुका है पानी की वजह से. और ये पूरा एरिया गाइस, ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, ये पत्थरों तक उस दिन पानी आ गया. पूरा पानी पानी था और इतना फियर्स रूप था पानी का. आपने आई एम श्योर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आफ्टर द डिस्ट्रक्शन तो कोई वीडियोस आ नहीं रहे हैं. दैट्स व्हाई आई थॉट मैं आपको दिखाऊं. राइट नाउ वी आर गोइंग शीला से नीचे की तरफ, चैतड़ू की तरफ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है. काफ़ी स्लम्स वगैरह ख़राब हो चुके हैं, कई लोग बेघर हुए हैं. लेट्स सी द ग्राउंड रियलिटी. गाइस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी. रोड भी ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं वहाँ पे रोड काफ़ी टूट चुका है. और यहाँ पे जो ये ऑपरेशन चल रहा है, ये हम इनसे पूछेंगे दो मिनट में. वो स्लम्स है वहाँ पे, कहाँ देखिए कुछ स्लम्स भी ख़राब हो चुके हैं. पानी के बीच में जा रहे हैं. और यहाँ पे क्या क्या हुआ था तमाम सब और जो सब कुछ बिजली पानी और ये भी झुग्गी झोपड़ियाँ भी खराब हो गई. दो तीन दिन दो तीन झोपड़ियाँ चली. यहाँ पे कोई मरा तो नहीं भाई साहब? मरा तो नहीं है. अच्छा कोई बात नहीं था. तो कल ही है. कल कहाँ था कोई? नहीं आ रहा था. अच्छा हाँ, एक औरत ने छलांग मार दी थी ना. क्यों मारी थी छलांग? वो तो घर वालों को. अच्छा काफी लोगों का नुकसान काफी हुआ, जाल माल का बहुत नुकसान हुआ है. माल का ज्यादा हुआ है, जान माल तो फिर भी सरकारी का ज्यादा नुकसान हुआ. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. वो देखो कितना. थैंक यू भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर. क्या नाम है आपका? विकास कुमार. क्या बात है भाई, थैंक यू. तो गाइस हम उस लोकेशन से थोड़ा सा नीचे आए हैं और यहाँ पे भी मंजर वैसा ही है, बहुत दुखदाई है. यहाँ पे एक टैंकी दिख रही है हमें, वो टैंकी ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्ट हो चुकी है और घरों तक पानी जा ही चुका था. थोड़ा सा बच गए घर. ये बड़े बड़े पत्थर पीछे से आए हैं, ये पत्थर नहीं थे यहाँ पे गाइस. इतने बड़े बड़े पत्थर पता नहीं कहाँ से आटा गया. वाइड तो हो ही गया सब. बड़े बड़े पत्थर जो रोड के नीचे सब वो भी तक बाहर आ चुके हैं और पाइप्स वगैरह सारी पाइपलाइनिंग भी बाहर आ चुकी है जो अंडरग्राउंड थी ये. और काफी आगे तक जमीन थी, काफी आगे तक. और ये तो काफी रिस्की हो सकता है यहाँ पे चलना, क्योंकि खोखली भी हो सकती है जमीन, नीचे भी गिर सकता है कुछ भी. वन वे का रखा है, वन वे में ही सारे लोग आएंगे, सब लोग जाएंगे. लगता है गिर भी सकती है, इसके बाहर से तो नहीं गिरेगी लेकिन गिर सकती है. और यहाँ पे कोई है नहीं फिलहाल काम करने के लिए, क्योंकि बाकी जगह इतने सारी हैं कि लोग काम करने लगे हुए हैं. यहाँ की भी बारी आ रही है, लेबर पर हो रहा है धीरे धीरे. पर व्यू अच्छा है, लेकिन इसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है गाइस. तो यही है, नेचर ऐसे ही करता है जब उसको कुछ अच्छा नहीं लगता. डिस्ट्रक्शन वाला एरिया, क्योंकि यार रोना आ जा रहा है ये चीज़ देख के. तो पानी यहाँ तक आ गया था ना, तो वहाँ से पानी आया पूरा, यहाँ से ऐसे कर्व बनाते हुए ये भी तोड़ा उसने पूरा का पूरा. काफ़ी प्रेशर था पानी का,
और सारे बड़े बड़े पत्थर भी आए हैं कुछ, और ये घर है और ये उड़ चुका है लगभग, और यहाँ के लोगों को खाली करा दिया गया था तभी, पर ये तब अब ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे इस घर की जो भी इसको करना होगा। आपका घर था यहाँ पे, ठीक है आपका घर? घर चला गया, अच्छा बस यही रह गया आपके पास, बाकी सब उड़ गया। तो रात को कितने बजे आप सो रहे थे तब जब आया पानी? पाँच बजे आया था, 8:20 पे आया था। अच्छा 8:20 पे आया था सुबह। आपका भी था घर? सारा घर उड़ गया वो, तो कौन सा घर बचा? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, बस कमरे हैं, कमरे पानी से भरे हुए अंदर। अच्छा साफ नहीं किया किसी ने? हाँ मैं देख लेते हैं। खाना कैसे कर रहे हो आप फिर? खाना वाना कपड़े चाहिए आपको? कपड़े दे जाएंगे, दे देंगे बाबा जी। और बर्तन भी चाहिए? बर्तन सब कुछ, सब कुछ ले गया पानी? अच्छा गद्दा वगैरह भी चाहिए होगा? पर घर चले जाना कितना मुश्किल हो जाता है ना। सही बात है, कितना मुश्किल होता है भाइयों। ये तीन रूम है भाई, ये रूम है, ये किचन है, ये रूम है। अच्छा ये तीन रूम है, अभी तक सब साफ नहीं हुए। अच्छा अच्छा सारा पानी भरा है गाइस, देख सकते हैं पूरा कीचड़ से कैसे हुआ पड़ा है। हाँ। पूरा कीचड़ ही कीचड़ हुआ पड़ा देखिए। ओहो घर की क्या हालत हो चुकी है देखिए आप, पूरा पानी पानी। सोचिए उस वक्त क्या ही मंजर रहा होगा जब पानी घुसा होगा भाई, तो काफी पानी घुस गया होगा सब, तो इतना पानी आ रहा है। ओहो तो आप तो काफी जान मान का नुकसान होने वाला होगा, काफी मुश्किल से निकले होंगे बाहर। बहुत मुश्किल से सामान निकाला, बहुत मुश्किल से हमने जान अपनी बचाई। ओहो ये तो शुक्र हुआ जे हमारे बच्चे और हम बच गए, बाकी सामान तो चलो बाद में, सामान तो फिर बन जाएगा। जान है तो जहान है भाई, जान है जहान। सामान सारा चला गया, सामान सारा चला गया, पर भाई आपकी हिम्मत है आप लोग तब बचे। और ये भाई देखते थे पानी उस अभी इतना है, तो उस समय तो इतना इतना भर चुका था पानी। है खिड़कियों से भी पानी आ रहा था। अच्छा खिड़कियों तक पानी आ रहा था यहाँ से? बहुत मतलब कितना एक प्रेशर होगा पानी का, बहुत प्रेशर बहुत। अभी आप सोते कहाँ पे फिर भाई साहब? अभी हम रोड पे सो रहे हैं भाई, कमरे में घुसने का, घर में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये तो होगा ही नहीं, नहीं नहीं ये तो थोड़ा इसका मरम्मत करेंगे तभी जाके रहने शुरू करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और जवान सिर्फ आप ही हैं घर में? दो तीन लोग जो एक ही हूँ मैं, बाकी लेडीज ही हैं, बाकी लेडीज हैं, बच्चे लड़की हैं बस, और कुछ नहीं। और कैसे सोएंगे बाहर भी ना? एक बूढ़ा बुजुर्ग है वो तो। आपके जैसे कोई हेल्प करने आता है कोई? अभी ये दोनों देके गया, कोई चावल देके गया, कोई आटा देके जा रहा है, कोई बर्तन देके जा रहा है, कोई कुछ ऐसे। चलिए भाई इंसानियत अभी भी कायम है दुनिया में। ये आपका वॉशरूम था ना? हाँ। और ये कहाँ से गिरा भाई साहब? ये भाई साहब ऐसे डंगा लगाया हुआ था ना। अच्छा अच्छा तो ये उखड़ के इधर आ गया। ओह तो अब तो वॉशरूम जाने में दिक्कत होगी बाहर, अब कहाँ जाएंगे? घर में जा रहे हैं। अरे भाई वो फिटिंग वायर कर रहा है ना, लाइट फिटिंग कर रहा है। अच्छा वो आपका स्कूल है? उड़ चुका है पूरा का पूरा स्कूल, पूरा उड़ चुका है। सुबह शाम हमें खाना मिलता है। आप सारे बच गए, इसकी बड़ी उम्र को वो है, बस जान तो बच गई, बाकी कुछ बचा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, बाकी तो बन जाएगा फिर से। ठीक है भाई मिलेंगे फिर से। कह रहे हैं कि वहाँ ग्राउंड हुआ करता था स्कूल का, वो भी पूरा खराब हो चुका है। अब तो स्कूल नहीं खुलेगा थोड़े दिन, स्कूल तो वैसे भी बंद है ना। क्या बनाया? चाय बनाई। हाय। ये देखिए यहाँ पे वाटरफॉल बन चुका है यार, ये क्या सीन है, नेचुरल वाटरफॉल यहाँ बन चुका है। भागसू वाटरफॉल जाने की जरूरत ही नहीं। उसमें देखा होगा कैसे एक घर गिरता है, एंड देखते देखते ब्रिज की तरफ से लोग आ रहे होते हैं और वो घर गिर जाता है। तो ये वही घर आफ्टर डिस्ट्रक्शन है, देखिए कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, घर गिर चुका है पूरा। हाँ घर के गेट पड़े गाइस,
काफी रिस्की है यहाँ पे चलना, कोई पता नहीं नीचे ना गिर जाए। मलबा वगैरह सब कैसे इकट्ठा हुआ हुआ है, ये जिनका घर टूटा होगा उनके लिए ये देखना कितना मुश्किल होगा और ट्रॉमेटिक होगा, हम सोच ही सकते हैं, बस इनफैक्ट सोच भी नहीं सकते। नीचे ये बच गया इनका थोड़ा बहुत, पर वो देखो भाई डोर ऐसे खुला है ना, सीधे खड की तरफ डोर खुला था। गगल, ये गगल का मंजर है, जेसीबी काम करने लगी हुई है पत्थर बड़े बड़े उठाने में, एंड गगल में ऐसे कोई प्रॉपर्टी का लॉस तो नहीं लग रहा है एज सच, एवरीथिंग इज इंटैक्ट।